चर्चा करेंगे वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। जैसे हमें अगर कोई बिजनेस करना हो ना, ध्यान से सुनना, बिजनेस करने के लिए हमें पैसा क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट हम किस किस में करते हैं, जब हम कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, तो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, और साथ साथ वर्किंग कैपिटल। बस ये फर्क है। ज्यादातर जो प्लानर्स होते हैं ना, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उनके दिमाग में फिक्स्ड एसेट रहता है, वर्किंग कैपिटल को वो भूल जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर बना है। इस चैप्टर के द्वारा हम अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं कि बेटे अगर बिजनेस करना है तो जिस तरह से फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का हिसाब लगाया जाता है, उसी तरह वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा इसका हिसाब लगाना भी जरूरी है। फिक्स एसेट्स हो गए एक प्रकार से हमारा स्केलेटन शरीर, और वर्किंग कैपिटल हो गया उसमें दौड़ता हुआ खून। अब आपका शरीर कितना भी खूबसूरत, कितना भी मजबूत हो, और अगर आपके शरीर में से हम खून निकाल लें तो काम थोड़ी करेगा। तो इसी तरह आपको इन्वेस्टमेंट जो करनी होती है वो फिक्स्ड एसेट के साथ साथ वर्किंग कैपिटल में भी करनी होती है। वर्किंग कैपिटल होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यानी करंट एसेट्स में से हम करंट लायबिलिटीज घटा दें तो हमको वर्किंग कैपिटल मिलता है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। बिजनेस का पैसा कहां अप्लाई होता है, एक फिक्स एसेट्स में, जैसे हम फैक्ट्री लगा रहे हैं तो प्लांट एंड मशीनरी लेने पर, फर्नीचर एंड फिक्स्चर लेने पर, बिल्डिंग के ऊपर, ये सब क्या होती है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो होती है जिनके द्वारा हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, राइट। दूसरा होता है आपका वर्किंग कैपिटल। क्या होता है वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। क्या होती है, करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट होता है वो पैसा जो थोड़े पीरियड के लिए फंसता है। अब जैसे मैं बिल्डिंग ले लूंगा तो मैं बिल्डिंग बेचूंगा थोड़ी अपनी जल्दी जल्दी, तो चलती रहेगी मेरी, काम करता रहूंगा। लेकिन मान लो मैं कार का विक्रेता हूं तो मैं कार खरीदूंगा बेचूंगा, कार खरीदूंगा बेचूंगा, कार में तो मेरा क्या बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा ना। कार में साइकिल बन जाएगा मतलब ये मत समझो कि कार साइकिल बन जाएगी, ये बच्चा ही सोच रहा है कार जो है साइकिल बन जाएगी। साइकिल का मतलब है चक्रव्यूह, भाई आज मैं कार खरीदूंगा फिर बेचूंगा तो कैश आ जाएगा, पहले कार खरीदूंगा पैसा लग गया मेरा, फिर बेचूंगा वो डेटर्स बन जाएंगे, फिर डेटर से पैसा कलेक्ट करूंगा वो कैश बन जाएगा, कैश फिर से कार खरीदने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये पैसा तो सर्कल में फंस गया ना, सर्कल में क्या, तो या सर्कुलेशन में, क्या सर्कुलेशन, ये मतलब कन्वर्ट होता रहता है। इसको आप कह सकते हैं कैश से क्या बनता है, करंट एसेट, दूसरे फॉर्म की करंट एसेट वापस कैश बन जाता है, लेकिन ये फंसा रहता है किसी ना किसी रूप, इसका रूप बदलता रहता है, नहीं समझे। तो जैसे हमारा पैसा बिजनेस में फंस जाता है, हम लोगों को उधार देते हैं, ऐसे लोग भी तो हमें उधार देते हैं। सपोज मेरा करंट एसेट्स है 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए मेरे सर्कुलेशन में फंस गए, पर लोगों से मैंने उधार ले रखा है 4 लाख का, तो मेरी जेब से तो 6 लाख ही फंसा ना। नहीं समझे आप मेरी बात, दिमाग लगाओ, मेरे पास 6 गाड़ियां खड़ी है, रिपीट, तो 6 गाड़ियों मेरे पैसे फंस गए, पर इस 6 में से 4 उधार की है, तो मेरे पैसे तो 2 गाड़ी में ही फंसे ना। यानी करंट एसेट वो हुआ जो शॉर्ट पीरियड में हमारा पैसा फंस गया, रिपीट, और करंट लायबिलिटी वो हुआ जो लोगों का हमने फंसा लिया। तो नेट हमारा क्या फंसा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मान लो मैं दुकान लेऊंगा 24 लाख की और मेरी वर्किंग कैपिटल में फंसेंगे 6 लाख, तो कुल मिला के मेरे 30 लाख रुपए नहीं फंस गए,
ये मेरा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। अगर मेरे पास सरप्लस फंड्स होता है, रिपीट, फिर मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूं। यानी मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं उस पैसे को जो नॉन बिजनेस एरिया में इन्वेस्ट किया गया। रिपीट, तो कॉमन सेंस की बात है, इन्वेस्टमेंट तो हम तभी करेंगे ना जब मेरे पास सरप्लस फंड्स होंगे। मैं आपको पढ़ाता हूं, मुझे आपको पढ़ाने के लिए ऑफिस चाहिए, तो मैंने पहले ऑफिस खरीदा, फिक्स्ड एसेट हो गई। फिर मुझे बुक्स चाहिए, प्रोजेक्टर्स चाहिए वर्किंग काम के लिए, लैपटॉप वगैरह जो वर्किंग में यूज होते रहे थोड़े, ऑल्दो लैपटॉप भी फिक्स्ड एसेट हो गया, पर वर्किंग के लिए बिजली के खर्चों के लिए, ऑफिस की सैलरी के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, बुक्स खरीद के जो देते हैं आपको उनके लिए भी पैसा चाहिए, मैंने वो भी अरेंज कर लिया। अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, अब मेरे पैसे बच गए, तो मैं उस पैसे को जमीन में तो गाड़ नहीं दूंगा, फेंक तो दूंगा नहीं। फिर मैं क्या सोचूंगा यार, इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते, अगर मुझे शेयर मार्केट अच्छी लगेगी तो मैं शेयर खरीद के इन्वेस्ट कर दूंगा, या मैं सोचूंगा कोई जमीन खरीद के रख लेता हूं, बाद में इसको बेच दूंगा जब इसके रेट बढ़ जाएंगे। यानी इन्वेस्टमेंट का प्रश्न बेसिकली तभी उठता है जब सरप्लस फंड्स होते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट की हम प्लानिंग नहीं करते हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल की करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। इन्वेस्टमेंट जब पैसे बच जाते हैं फिर सोचते हैं इसको कहां लगाए। नहीं, मेरी बात समझ, वो तो सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट होगा ना, तो राइट में हो गया एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन बेसिकली हमें दो ही चीजों की चिंता होती है, फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल। ये तो मैंने इसलिए बता दिया, कई बच्चे पूछते हैं इन्वेस्टमेंट, तो मैंने समझा दिया। अब पैसा कहां से आएगा, उसके दो साधन है, ओन फंड्स, क्या ओएमबी कहते हैं, ओन मनी, क्या, और ओपीएम, अदर पीपल मनी, क्या, अदर पीपल मनी मतलब जो उधार का पैसा, ये अपना पैसा, ये पराया पैसा। तो जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जिस पर हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो अब आप खुद सोचो, जब तक मुझे फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल का ज्ञान नहीं होगा, मैं सोर्सेज का ज्ञान कैसे लगाऊंगा। सोर्सेज तो किस लिए होते हैं, एप्लीकेशन को मीट करने के लिए। मजा आ गया, चल पढ़ो आगे। अब मैं बात कर रहा हूं कि करंट एसेट में क्या क्या था, मैं खुलासा कर रहा हूं। करंट एसेट में बेसिकली कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आता है, वो पैसा जो हमें रोजमर्रा के खर्चों को आराम से मीट करने के लिए रखना चाहिए अपने पास। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, जिनको हम शॉर्ट पीरियड के लिए माल देते हैं। स्टॉक में पैसा फंस जाता है, स्टॉक तीन तरह का होता है, कच्चा माल, इनकम्प्लीट माल, फिनिश गुड्स। एग्जाम्पल लेते हैं बेकरी का, बेकरी में सूखा आटा रॉ मटेरियल, गुंदा हुआ आटा जिसको डो कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, तैयार ब्रेड, फिनिश स्टॉक। नहीं समझ आया, बेकरी का ले लिया एग्जाम्पल, जो ब्रेड बना के बेच रहा है, तो बेकरी में सूखा आटा रॉ मटेरियल, गुंदा हुआ आटा वर्क इन प्रोग्रेस, तैयार ब्रेड, फिनिश स्टॉक। तो स्टॉक में पैसा फंस जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कई खर्चे एडवांस में देने पड़ते हैं, कई लोग क्या करते हैं, खर्चा हमसे पेमेंट एडवांस मांगते हैं, जैसे आपको न्यूज़पेपर में ऐड दे दिए तो उसमें मोटा मोटा आपको एडवांस पेमेंट करने पड़ते हैं, पर अगर एडवांस नहीं करते हो तो नहीं आएगा, बस सीधी सी बात है, राइट। शॉर्ट टर्म एडवांसेस, जैसे किसी को शॉर्ट पीरियड के लिए एडवांस दे दिया। फिर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट होते कि हमने देखा शॉर्ट टर्म में हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े, जरूरत तो है नहीं चार महीने के लिए, तो हमने थोड़ी देर के लिए उसको एफडी करा दिया, कुछ करा दिया, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्या बोल देते हैं, कैसा लगे। तो ये वो पैसा है जो शॉर्ट टर्म में हमारा फंस जाता है, और ये वो पैसा है करंट लायबिलिटी जो हम शॉर्ट टर्म में लोगों का फंसा लेते हैं। तो देखा जाए करंट एसेट का कुछ पार्ट करंट लायबिलिटीज द्वारा फाइनेंस हो जाता है। करंट लायबिलिटीज में आता है क्रेडिटर्स फॉर गुड सप्लाइड, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, जिसको आप क्या कह सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एडवांस रिसीव फ्रॉम डेटर्स अगेंस्ट सेल्स, वो भी तो लायबिलिटी हो गई, डेटर्स से एडवांस ले लिया अगर आपने। टैक्स एंड डिविडेंड पेबल,
अदर करंट लायबिलिटी, अदर लायबिलिटीज मैच्योरिंग इन अ ईयर, इसको समझिए। अगर मैंने कोई 10 साल का लोन लिया है तो वो लोन 9 साल के लिए तो नॉन करंट लायबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, पर 10वें साल वो क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो होती है जो विद इन अ ईयर हमें पे करनी होती है, और करंट एसेट वो होते हैं जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें एक हमने बाइफर्केशन लाइन ईयर ले लिया है, तो जो पैसा ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट होता है, और जो लायबिलिटी ईयर के अंदर पे करनी हो वो करंट लायबिलिटी होती है। वन ईयर को एक हमने डिमार्केशन लाइन ले ली, कैसा लगा? तो यहां पर भी वही बताया 7वें पॉइंट में कि कोई भी लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लास्ट ईयर में क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी। कैसा लगा? क्लियर। अब हम बात करेंगे दो तरह के वर्ड्स की जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। बेटा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है, करंट एसेट्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर हम सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोल रहे हैं तो नॉर्मली हम वर्किंग कैपिटल वर्ड नेट वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा ग्रॉस 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 बोले तो समझ जाना ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब सिर्फ करंट एसेट्स है। तब वर्किंग कैपिटल शब्द पे मत जाना। कैसा लगा? इसी तरह करंट एसेट्स और नेट करंट एसेट्स भी होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को आप करंट एसेट्स कह देते हो और इसको क्या बोल देते हो? नेट करंट एसेट्स। लिखा हुआ मैंने। तो एक तरीके से ये हो ना कि मेरे करंट एसेट मान लो है 10 लाख के, कितने के? 10 लाख के, और करंट लायबिलिटी है 4 लाख की, बाकी क्या बचा? 6 लाख। तो नेट वर्किंग कैपिटल या नेट करंट एसेट वो अमाउंट है जिसका अरेंजमेंट हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करना पड़ता है। रिपीट। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? अभी लिखवाए थे आपको लेफ्ट साइड पे, ये ओन मनी और अदर पीपल मनी। कैसा लगा? क्लियर हो गया? ये सेकंड पॉइंट में यही बताया। तो फर्म की जो करंट एसेट्स है वो 10 लाख है, 4 लाख तो फाइनेंस कहां से होगी? ऑटो फाइनेंस होगी। रिपीट। ऑटो फाइनेंस मतलब वो नहीं है कार का लोन, ऑटो फाइनेंस का मतलब यहां क्या है? ऑटोमेटिकली फाइनेंस। जो वर्ड्स होते हैं ना मिक्स हो जाते हैं। ऑटो फाइनेंस पेपर में आता है ना बड़ा, तो बच्चे सोचते हैं ऑटो फाइनेंस मतलब कार के लिए लोन लिया, ऑटोमोबाइल के लिए लोन लिया। यहाँ ऑटो फाइनेंस मतलब ऑटोमेटिकली फाइनेंस्ड होते हैं बिना किसी मेहनत। 10 लाख में इन्वेस्ट कर रहे थे, 4 लाख ऑटो फाइनेंस हो गया, बचा क्या? 6 लाख जो हमें बाहर से लाना पड़ा। बाहर से लाने के 2 साधन होते हैं, मैंने बताया कौन सा? ओन फंड्स और अदर पीपल मनी। Own money, other people money. Own fund, borrowed fund. चलें। अब working capital की importance क्या है? ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बताता हूं। पहला, working capital इसलिए जरूरी होती है ताकि आप fixed assets का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। आपके पास बहुत बढ़िया कार है भाई साहब, ओए BMW देखते ही मन खुश हो जाए, पर जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। ले लो BMW के, मुझे क्या करोगे? सुबह उठोगे, कपड़ा उतारोगे, चमकाओगे, कपड़ा चढ़ाओगे और मेट्रो से ऑफिस चले जाओगे। पेट्रोल भी तो जरूरी है। बढ़िया बढ़िया फिक्स एसेट्स लगा ली, सारे पैसे खत्म, और रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे नहीं है तो मशीनें कैसे चलेंगी? कितनी कंपनियां इसलिए बंद हो जाती है कि उनके पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे नहीं होते। बोलना नहीं चाहिए, पीछे अखबार में बहुत आ रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक एयरलाइंस ने बड़ी दिक्कत फेस की थी, अगर आपको याद हो। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूं। तो उसने बड़ी दिक्कत फेस की थी, उसको जो उसका जो पेट्रोल होता है ना प्लेन के अंदर डलता है, उसका पेमेंट भी वो नहीं कर पा रहे थे। तो पेट्रोल कंपनी उनको पेट्रोल देके राजी नहीं थी, उनके सारे फ्लाइट सूख गए थे। ये हो गया ना एग्जाम्पल, कितना बढ़िया। खूबसूरत हवाई जहाज तो थे उनके पास,
एयर होस्टेस भी उनकी बड़ी खूबसूरत होती थी, पर उनको देने के लिए सैलरी नहीं होती। उनका क्रू कहते सबसे खूबसूरत होता था, पर उनको देने के लिए सैलरी नहीं होती थी। तो इस चक्कर में वो सारे के सारे स्ट्राइक पे चले गए। तो गंदी गंदी बातें ना करो, सुसाइड वुसाइड अच्छा नहीं लगता सुन के। करा होगा जरूर, जिसकी यहाँ दिक्कत होती है तो कोई ना कोई आदमी एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेता है, क्योंकि जुड़े तो देखो हम लोग सब जुड़े तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं है। तो यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने, वो कितना खूबसूरत प्लेन था लेकिन वो चल नहीं सकता अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। दूसरा, डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए भी तो कैश चाहिए, बिना कैश के काम कैसे चलेगा। नहीं, एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार मैं एक आदमी बड़ी तारीफ कर रहा हूँ, बहुत बड़ा आदमी ये है वो है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसी के पास खड़े हुए शॉप पे, तो शॉपकीपर बोला जी आपके लिए बड़ा आदमी को मान ले तो बेकार है। मैं कैसी बातें कर रहा, इतनी बड़ी कोठी इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता, कहता सर छः छः महीने हमारे पैसे नहीं देता, सामान ले जाएगा उधार फिर देगा नहीं, इतना बुरा लगता है, क्या बोले। तो भैया आ गई ना ये वाला सेकंड पॉइंट, मान सम्मान तो डे टू डे, उसके लिए बड़ा आदमी तो कहता हमारे लिए बड़ा अच्छा बोला उसने, हमारे लिए सर बड़ा आदमी वो है जो हमारे पैसे हाथ की हाथ देते, कल दूंगा परसों दूंगा, आज ये हो गया आज वो हो गया आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, तेरे पैसे बैंक में पड़े हैं डर क्यों रहा है, चिंता मत कर भाग जाओ, इतनी बड़ी कोठी है देखता नहीं मेरी गाड़ी को, कहता मैं चार डालूंगा गाड़ी में, मुझे मेरे पैसे मिलते नहीं, 10 दफा रिमाइंडर देना पड़ता है। मेरी बात समझ में आई? तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं होता। उससे थर्ड पॉइंट भी उसी क्वान्टिटी, सारे पॉइंट एक ही बात कह रहे हैं, कहने का स्टाइल फर्क है। थर्ड पॉइंट में यही है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, कितना बड़ा आदमी हो अगर शॉर्ट टर्म पेमेंट नहीं करेगा तो हमारे लिए तो फेल ही है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? फिर अब जब हम अपना बिजनेस बढ़ाते हैं तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल भी तो ज्यादा चाहिए होती है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस। मान लो आप दुकान है आपकी, आप आइसक्रीम बेचती हो, क्या आइसक्रीम, सिंपल से एग्जाम्पल, और आप 100 आइसक्रीम रखते हो एट ए टाइम, कितनी आइसक्रीम रखते हो 100, रोज की 100 बिकती है। भाई साहब भगवान की कृपा थी, चमत्कार हो गया, आपकी दुकान के सामने वाले पार्क में भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई है जमीन में से, मेला लग गया, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, भरी गर्मी है। अब उनके दूर दूर से आने से मेला तो लग गया, पर आपकी दुकान पे मेला तब लगेगा ना जब आपके पास वर्किंग कैपिटल हो इमीडिएटली 100 की जगह 1000 आइसक्रीम रखने की, ताकि धड़ल्ले के साथ भगवान जय बाबा गंगनाथ की कहकर आपकी आइसक्रीम बिकती रहे। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है वर्किंग कैपिटल के लिए, आप तो अपना वही आधे घंटे के अंदर 100 आइसक्रीम बेच दोगे, उसके बाद खुद भी जाके मूर्ति के पास कर दोगे कहाँ है मूर्ति कहाँ है मूर्ति। अदरवाइज क्या होता, आप ना दुकान पे बेचते रहते, भाई लोग आ रहे हैं आपकी आइसक्रीम बिक रही है, हर आइसक्रीम पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे। नहीं मेरी बात सुनने? तो यानी जब बिजनेस को बढ़ाना होता तो उसके लिए भी तो क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। बिना वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल समझो शरीर की तरह है। हम छोटे थे, मुझे वैसे इतना साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कॉमन सेंस से कह रहा हूँ, जब हम बहुत छोटे थे अगर हमारे शरीर का सारा खून निचोड़ दिया जाए और उसको नापा जाए, और आज जब हम बड़े हो गए आज निचोड़ के नापा जाए, तो मेरा ख्याल आज की क्वांटिटी कम होगी, कह रही आज की क्वांटिटी कम, बट तेरे साथ ऐसी दुर्घटना होगी। खून की मात्रा तो बढ़ती होगी ऑब्वियसली, जब शरीर बढ़ता है तो मतलब मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि साइंस का नहीं उस स्टूडेंट में कोई, तब 1 लीटर खून होता हो तो आज हमारे शरीर में कम से कम 5 लीटर होगा। जब शरीर बढ़ा है तो उसके साथ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी तो बढ़ा ही होगा, ये थोड़ी वही ब्लड पतला हो के घूम रहा है या एक जगह जाता ही नहीं, कहता चलो बाकी जगह चक्कर लगाया। तो मेरी बात समझ गई ना, बिल्कुल वही हो गया ना, वर्किंग कैपिटल एसेट्स बढ़ेंगी तो उसके साथ साथ सर्कुलेशन वाला पैसा भी बढ़ेगा, बढ़े आगे। अब यहां पर मैं उसी चीज को दूसरे रूप से बता रहा हूं कि वर्किंग कैपिटल की कमी से क्या होता है। एक, नई नई अपॉर्चुनिटी हाथ से छूट जाती है। इसका एग्जाम्पल तो मैं दे चुका हूं अभी आपको, कौन से वाला, वो मेले वाला एग्जाम्पल, बाहर आई चली गई और हम देखते रह गए क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं। ऐसा होता है ना कई बार, आपने पढ़ा होगा कोई पंगा हो गया, कहीं जैम हो गया, कुछ हो गया, तो वहां मेला सा लग गया, लेकिन कामयाब तो वही होगा ना उस मेले में जिसके पास वर्किंग कैपिटल, उसने 4 दिन लगा दिए भाई साहब अरेंजमेंट के लिए, तो बेकार हो गया सब कुछ। फिर जब आपके पास ज्यादा पैसा होता है ना तो आप माल बल्क में खरीद सकते हो,
बल्क में खरीदोगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, पर बल्क में खरीदने के लिए भी क्या चाहिए, पैसे। ट्रेड डिस्काउंट तो तभी मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब आप माल बड़ी मात्रा में उठाओ। कई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है मैं देखता हूँ, पूरे सीजन में माल उठाती है, कब, जब उस चीज का सीजन होता है ना, जैसे उसकी फसल कटी तब खरीद लिया, तो उस वक्त उन चीजों का रेट कम होता है। चीनी मिल है, गन्ना खरीद के रख लेती है सीजन में, जैसी फसल कटती है गन्ने का रेट गिर जाता है, खूब गन्ना खरीद के स्टोर कर लेती है और सारा साल उसकी चीनी बनाती रहती है। क्या करना है उसका, अच्छा ठीक है, समझ गए। फिर कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट, ठीक। फिर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कमजोर कस्टमर होते हैं, पर कस्टमर अच्छे होते हैं, वो कहते हैं भाई हमको उधार दे दो, हमारा तो रोज कुआ खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, अब 200 रुपये उधार दे दो, हम बेच देंगे, शाम को आपको 250 रुपये दे देंगे, हम भी उससे 50 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। पर वो कब कमा पाएंगे, जब हम उसको उधार दे पाए, नहीं तो वो कस्टमर तुम्हारा छूट जाएगा। हाँ हाँ, ये तो सदा ही होता रहता है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं, माल तो बेच सकते हैं पर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब रिटेलर टाइप लोग होते हैं। मैं एक शॉप पे कई बार जाता हूँ घर के सामने, सुबह जैसे घर में सब बीमार थे पीछे, तो मैं जा रहा था, तो मैं सुबह जाता था उसके बाद ब्रेड लेने, तो मैं देख रहा था कि उसमें सुबह इतने सारे वो आए होते हैं, छोटा छोटा सामान, सुबह सुबह ही होते हैं, मैं समझ गया था, जैसे छोटे छोटे सामान खरीद रहे होते हैं, तो मुझे ऐसे देखने से लगा कि ये सब जो है रोज बेचते हैं सामान और रोज इससे खरीद के ले जाते हैं, छोटी छोटी स्टॉल्स लगाते हैं, तो वो उनका एक तरीके से होलसेलर था, तो सुबह सुबह ले जाते थे पर्चा सा बनवा के कि ये सामान दे देता था, कल के पैसे दे देते थे, कल भाई साहब ये सामान लेके तो उसके पैसे ले लो 1200 रुपये, आज ये दे दो, आज का पर्चा लिया चले जाएंगे, शाम तक बेच देंगे, अगले दिन सुबह सुबह फिर आके पिछले दिन का हिसाब कर देंगे, अगला माल खरीद लेंगे। तो ऐसे लोगों को हम तभी तो डील कर पाएंगे जब हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करने का फंड्स। फिर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन लॉस्ट हो जाती है। जो आदमी आपको रुला रुला के पैसे देता है, कहीं ना कहीं आपके मन में उसके प्रति अच्छी भावना नहीं रहती। व्यापार में भी ऐसे आदमी को हम अवॉइड करते हैं, तो फाइनेंशियल रेपुटेशन इज एट रिस्क। फिर ये तो आपने कंपनी अकाउंट में पढ़ा ही, अगर कोई कंपनी पैसे नहीं देती है तो आप उसके वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजा आ गया। अब वर्किंग कैपिटल भी ना दो तरह की होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी। मैं आपको बताता हूँ बड़ा प्यारा एग्जांपल, हलवाई का एग्जांपल है। अच्छा शोरूम पकड़ लो कोई भी हलवाई का, हल्दीराम ले लो आपकी लोकेलिटी में जो, आप उसकी शॉप पे जाइए डेली के कोर्स में, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, कोई मेरे पास डाटा नहीं है, मैं तो अपने कॉमन सेंस एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ, तो आपने उसकी भावना को समझना, ज़्यादा बीच में नहीं जाना। तो आप डेली उसकी शॉप पे जाके देखो, चेक करो, अंदाजा लगाओ, तो आपको तो चलेगा उसकी दुकान पर मान लो 300 किलो मिठाई पड़ी है, कितनी डिपेंडिंग अपॉन कहाँ आया, आउटलेट कैसा है, 300 किलो मिठाई उसके पास हर समय पड़ी रहती है। ये हो गई परमानेंट वर्किंग कैपिटल। उसी दुकानदार के जिसके यहाँ 300 किलो मिठाई नॉर्मली आप देखते होती है, आप दिवाली पे चले जाओ सीधा ही आप देखोगे 3000 किलो। मैंने तो यहां तक सुना है कि हलवाई दिवाली पे ही मोटा पैसा कमा लेते हैं, पूरे साल की कमाई तो दिवाली पे निकाल लेते हैं, उसके बाद तो वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए दुकान चलाते रहते, प्रॉफिट तब भी हो जाते, पर यह फिर तो जो रीजनेबल प्रॉफिट होता बढ़िया है, मस्ती से चलो दिवाली पे ही सही काम कर लेते। तो वो क्या हो गई, टेम्परेरी कैपिटल। पटाखे वाले ले लो, दिवाली में पटाखे के लिए सेल लगती है, वो मतलब तो सेल बढ़ जाती है पटाखों की, है हर सीजन वाले काम लोग। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो है जो आपको सारा साल अपने इन्वेस्ट करके रखना, और टेम्परेरी वो है जो बीच में बढ़ जाएगी फिर वापस खत्म हो जाएगी। समझ आया? तो डायग्राम से हम बात करते हैं, ऐसा डायग्राम देखिए, जैसे ये वर्किंग कैपिटल की अप एंड डाउन है, एक स्टैग्नेंट बिजनेस है। स्टैग्नेंट बिजनेस मतलब ये है उसमें ग्रोथ नहीं है, क्या नहीं है, तो इसकी वर्किंग कैपिटल ऐसे है ना, बढ़ती रहती है
फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है। तो जो मिनिमम अमाउंट वो हर समय रखता है अपने पास, ये नीचे का हिस्सा, ये क्या हो गई परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और जो ये उतार चढ़ाव हो रहे हैं ये क्या हो गई टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। हाँ कि ना? तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का आप अरेंजमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेस से, और जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है उसका अरेंजमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म फंड से। दिवाली आ रही है, आपको मिठाई के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, आप बैंक के पास जाओ, अब हलवाई है, बढ़िया नाम है आपका, कोई मुझे 50 लाख रुपए का 2 महीने के लिए लोन दे दो, मैं लौटा दूंगा, बैंक दे देगा आपको। बैंक को ही पता है अभी 50 लाख रुपए की मिठाई बना के बेचेगा 75-80 लाख की बिक जाएगी, 50 लाख हमारे लौटा देगा, 5 लाख ब्याज दे देगा, बाकी इसका प्रॉफिट है। पर बैंक के पास जाओ, जी मुझे 50 लाख का लोन ले लो, मैंने दुकान खरीदनी है, मैं 3 महीने में लौटा दूंगा, बैंक का पागल समझता है, 3 महीने में दुकान बेच के वापस सड़क पे आ जाएगा, ये बता 3 महीने में चुकाएगा कैसे, आपसे सारी बातें समझेगा, नहीं समझेगी बात। तो शॉर्ट पीरियड जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है उसके लिए तो बैंक से हम कौन सा अरेंजमेंट कर लेते हैं शॉर्ट टर्म, पर जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसका लॉन्ग टर्म से होता। तो मैंने लिख भी दिया है टेम्परेरी मौके के हिसाब से एंड परमानेंट सदा रखते हैं। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो होती है जो हम अपने पास थ्रू आउट द ईयर रखते हैं, और टेम्परेरी वो होती है जो जरूरत के वक्त रखी जाती है और उसके बाद वो लिक्विडेट हो जाती है। ये मैंने एग्जांपल दिखा दिया स्टैग्नेंट बिजनेस का, अगर ग्रोइंग बिजनेस होगा तो उसकी वर्किंग कैपिटल की परमानेंट वाली नीड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने बड़ा एक्सपैंड किया है, जिसमें से एग्जांपल ले लो इंफोसिस है, इंफोसिस तो इस वक्त शेयर देखा आपने कहाँ भाग गया, नहीं होगा बिल्कुल, एड्रेसेस तो सारे नहीं पता, पर इंफोसिस तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है इस वक्त, सबसे टॉप पे तो TCS है, नंबर 2 पे इंफोसिस चल रही, पहले इंफोसिस ज़्यादा टॉप पे होती, तो जब से नारायण मूर्ति साहब ने फिर से बागपुर संभाली तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है, शेयर भी काफ़ी तेज हो गए, ऊपर से रुपये डिवेल्यूएशन होने से एक्सपोर्ट्स लिक्रेटिव हो गए। चलिए एनीवे आप मेरा एग्जांपल मत पकड़िए, आप उसकी भावना को समझिए। ऐसे कितनी सारी कंपनीज है जो बहुत छोटे से स्टार्ट हुई थी बड़ी हो, बैंक ही देख लो, HDFC बैंक जरा सा बैंक होता इतना बड़ा बैंक हो गया, ICICI बैंक, तो जैसे जैसे इन्होंने ग्रो किया तो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो क्या हुई बड़ी। ये मैंने एग्जांपल दिया था स्टैग्नेंट बिजनेस का, स्टैग्नेंट बिजनेस में क्या होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट सेम रहती है, जब एक्सपैंड हो रहा होता है लोग नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, नए आउटलेट्स खोल रहे हैं, नए नए लोग बिजनेस को हायर करने में लगा रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनीज हायर करती हैं लोगों को बेस आप, तो उनकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है, राइट जी। तो आइए जरा डिस्कस कर लें फिर से, परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो मिनिमम अमाउंट जो हमको हर वक्त चाहिए, वो मिनिमम अमाउंट जो हमको हर वक्त चाहिए ओवर दी एंटायर ईयर। एक ही बात को कई तरीके से कहा है, टंडन कमेटी ने इसको बोला था हार्ड कोर करंट एसेट्स, क्या बोला था हार्ड कोर करंट एसेट्स, एक प्रकार से ये मिनिमम है, बेयर मिनिमम करंट एसेट्स है जो हमको हर वक्त चाहिए ही चाहिए। इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बिजनेस में किसी ना किसी रूप में सदा फंसी रहती है, किसी वक्त हो सकता है आपका स्टॉक में फंस जाए, किसी वक्त हो सकता है आपके डेटर्स में फंस जाए, किसी वक्त हो सकता है वो आपके कैश में फंस जाए, वो किसी ना किसी रूप में बिजनेस में लगी ही रहती है। ये भी समय के साथ बढ़ती है, जैसे जैसे आपका बिजनेस का साइज बढ़ता है फिक्स एसेट बढ़ती है, आपको मैंने अभी डायग्राम में भी दिखाया था ग्रोथ वाले में, इसकी रिक्वायरमेंट भी समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट सदा लॉन्ग टर्म फंड से करना चाहिए, क्या चाहे वो ओन फंड हो चाहे बोरोड फंड हो, लेकिन होने क्या चाहिए लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसकी अदायगी नहीं होगी ना शॉर्ट पीरियड में, ये तो लॉन्ग पीरियड में कमा के ही आप चुका पाओ। जैसे आप अपने घर बनाने के लिए लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक 20 साल का लोन दे देता है ना आपको, क्यों 20 साल का लोन देता है, बैंक कहता है भाई अब ये लोन
घर बेचेंगे थोड़ी, ये तो घर इन्होंने रहने के लिए लिया है, अब तो ये अपनी कमाएंगे, तनख्वाह कमाएंगे, उसमें से हमारा लोन और उसका ब्याज चुकाएंगे। नहीं, मेरी बात समझ, बैंक ये थोड़ी उम्मीद करता है कि आपने 10 साल, चलो इसको 5 साल का लोन दे दो, 5 साल बाद इसका घर बिकवा देंगे, अपना लोन ले लेंगे, सड़क पे आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी सोचता है बैंक। बैंक बनाता ही आपकी 20 साल की किस्त है, पता होगा आपको हाउसिंग लोन की सबसे ज्यादा किस्त होती है। वो क्यों? बैंक जानता है कि इस लोन की अदायगी कहाँ से होगी, कमाई में से, और बंदे की जो कमाई है वो थोड़ी थोड़ी तो उसमें से निकालेगा, रोटी भी तो खानी है उसने, खर्चे भी तो है उसके। नहीं, मेरी बात समझ। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट कहाँ से होना चाहिए? लॉन्ग टर्म फंड्स, ताकि लॉन्ग टर्म फंड्स हमें लंबे पीरियड में धीरे धीरे उतारने होते हैं, तो कमा कमा के उतार दें। रिपीट, कमा कमा के उतार। शॉर्ट टर्म लोन आप कमा के नहीं उतारते, सदा ध्यान रखना। आज मेरे को पटाखे की दुकान लगानी है, मैंने 20 लाख का लोन ले लिया, 30 लाख के पटाखे बेच दिए, 3 लाख रुपए खर्च हो गए, 1 लाख रुपए ब्याज हो गया, तो मैंने तो क्या करा, जो पटाखे बेचे उसमें से लोन चुकाया ना, कमा के थोड़ी चुकाया, कमाया तो मैंने क्या, केवल 6 लाख है। नहीं, मेरी बात सुन, पटाखे बिक के बाद खत्म हो गए, लेकिन दुकान जिसमें मैं बैठा हूँ वो थोड़ी बिकेगी, वो तो चलती रहेगी, उसकी अदायगी तो कैसे होगी, कमाई से, कमाई से होगी, तो इसका मतलब अरेंजमेंट कहाँ से होगा? लॉन्ग टर्म फंड। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो सदा बिजनेस में लगी रहेगी, वो निकलेगी थोड़ी, इसका रूप बदलता रहेगा, तो इसलिए उसकी अदायगी कैसे होगी? कमाई से। तो इसलिए उसका अरेंजमेंट कहां से होना चाहिए? लॉन्ग टर्म फंड्स। बढ़िया, क्लियर हो गया? श्योर। अब टेम्परेरी मैंने बताया आपको, ये वेरिएबल नेचर की होती है, ये वो अमाउंट है जो ओवर एंड अबव परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, ये एडिशनल करंट एसेट्स है जो हमें डिफरेंट टाइम्स पर चाहिए होती है, जिसको आप क्या कह सकते हो, पीक सेल्स या पीक सीजन, उस दौरान हमारा एक्स्ट्रा इन्वेंट्री में पैसा फंस जाता है, जैसे मैंने पटाखों का एग्जांपल बताया, दिवाली पे हलवाई का एग्जांपल बताया, न्यू ईयर पे बेकरी वाली का एग्जांपल ले सकते हो, क्रिसमस और न्यू ईयर पे बेकरी वालों की सेल्स बढ़ जाती है काफी, केक पेस्ट्री की, आया समझ में? तो ये वो है, ये ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग डिप्रेशन कम हो जाती है। रिपीट, डिप्रेशन में डिमांड कम हो जाती है तो स्टॉक वगैरह आपका कमी मेंटेन करना होता, तो ऑटोमेटिकली ये कम हो जाती है। इसका अरेंजमेंट हम कहां से करते हैं? शॉर्ट टर्म सोर्सेस, लॉन्ग टर्म सोर्सेस से इसका अरेंजमेंट नहीं किया जाता। कैसा लगा ये मैंने बताई दी तुम्हें एग्जाम्पल। अब 3 अप्रोचेस है वर्किंग कैपिटल की, 1 मैचिंग, 2 कंजर्वेटिव, 3 एग्रेसिव। ध्यान से सुनिए, ये है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कलर ठीक दिख रहा है, चेंज कर दो। ये है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक दिख रहा है? ये है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब ये है वर्किंग कैपिटल। बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए 10 लाख। कितनी चाहिए? 10 लाख। अगर आप, सुनना ध्यान से, और फिक्स एसेट्स हैं आपके 20 लाख के। कितने के? 20 लाख। सुन रहे हो? थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, कौन सी है? शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल भी ले लो थोड़ी सी, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, चलेगा? फिर बोल दूं, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल या परमानेंट वर्किंग कैपिटल, 10 लाख फिक्स एसेट। अगर आप 30 लाख का अरेंजमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म फंड से और 2 लाख का अरेंजमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म फंड से, इसको बोलते हैं मैचिंग अप्रोच। क्या बोलते हैं? बिल्कुल मैच कर दिया आपने। जैसे आप घूमने जा रहे हैं, आपको चाहिए 10,000 रुपये घूमने के लिए और आप जेब में 10,000 रुपये जाके लेके जाते हैं, तो इसको बोलेंगे मैचिंग अप्रोच। आप जेब में 15,000 रुपये लेके जाते हैं, या कोई पंगा ना हो जाए, कोई खर्चा ना आ जाए, इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव अप्रोच। क्या बोलेंगे? आदमी डर के संभल के जा रहा है, कंजर्वेटिव होके जा रहा है। आपको पता है खर्चा 10,000 होगा, जेब में डाले 2,000, देख लाऊंगे और चल पड़े घूमने, तो इसको क्या बोलेंगे? एग्रेसिव अप्रोच। बर्तन धो लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, घूम के आना है। एक राज कपूर की पिक्चर आई थी, अराउंड द वर्ल्ड इन $8, शायद ऐसे था, $1 या $8, पूरा वर्ल्ड $8 घूम के आता है।
तो बर्तन भी धोता है, सफाइयां भी करता है, सारे काम करता है। तो जब एग्रेसिव हो जाओगे तो रिस्क क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मैचे मतलब हिसाब से, कंजर्वेटिव मतलब सेफ होके, और एग्रेसिव मतलब पंजाबी में बोलते हैं ना देख लो, तो वो बाद में बदलता है। अब अगर बंदे ने 31 लाख अरेंज किए हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस से और 1 लाख अरेंज किया है शॉर्ट टर्म फाइनेंस से, तो ये कंजर्वेटिव हो गया कि नहीं हो गया? लॉन्ग टर्म से कितना जरूरत था? सिर्फ 30, पर ये डर के मारे इसने कितना अरेंज करके रखा? 31, एक फालतू। तो जो फालतू लेके चले वो क्या हुआ? कंजर्वेटिव। अब एग्रेसिव आप समझ गए होगे क्या होगा। उसने क्या करा, 25 लाख कर लिए लॉन्ग टर्म से और 7 लाख कर लिए शॉर्ट टर्म से। इसकी टोपी उसके सर, देख लांगे। जब शॉर्ट टर्म वाले पैसे मांगने आएंगे तो इसके पैसे किसी और से उधार लेके दे देंगे, टोपियां घुमाते रहेंगे। वो एग्रेसिव होगा। कैसा लगा, मजा आ गया? ये चीज मैंने यहां दिखाई है कि पूरी की पूरी अगर आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल, रिपीट, जितनी परमानेंट है वो आप लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं और टेम्परेरी शॉर्ट टर्म से कर रहे हैं, तो एपरेज क्या होगी? मैच। समझ आ गया? और अगर आप क्या परमानेंट से ज्यादा लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं, रिपीट, तो फिर वो क्या हो गई? कंजर्वेटिव। समझ आ गया? और अगर आप परमानेंट का कुछ हिस्सा भी शॉर्ट टर्म से ही कर रहे हैं, रिपीट, तो फिर वो क्या हो गई? एग्रेसिव। आगे समझ में? एग्रेसिव खराब होती, खतरनाक होती। चले आगे। ये मैंने इसका कंपैरेटिव चार्ट बनाया, सब वही बातें जो मैं बता चुका हूं। मैचिंग के अंदर लॉन्ग टर्म फंड यूज होते हैं फिक्स्ड एसेट के लिए और परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए। एग्जाम्पल याद है ना, 30 लाख रुपए याद है? और कंजर्वेटिव में किसके लिए यूज होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स के लिए, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए और पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए। याद है मैंने कितना बोला था? 31 लाख। और एग्रेसिव में क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट के लिए तो होंगे पर परमानेंट के पार्ट के लिए होंगे। तो याद है मैंने कितना बोला था? 25। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का 5 लाख भी कहां से अरेंज किया था? शॉर्ट टर्म से। दिखाओ एग्जांपल, ये याद है? इसमें आपको याद होगा पूरा 2 लाख टेम्प शॉर्ट टर्म वो था किसके लिए? टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए। यहां केवल 1 लाख टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हमने शॉर्ट टर्म से किया था, और यहां क्या किया था? 2 लाख टेम्परेरी प्लस 5 लाख परमानेंट का, 7 लाख, देख लांगे जब किया, राइट? अब इससे लिक्विडिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? किस पर? इसमें लिक्विडिटी वेल बैलेंस्ड रहती है मैचिंग में, और कंजर्वेटिव में हाई रहती है क्योंकि हमने अरेंजमेंट पहले से ज्यादा रखा हुआ है, और एग्रेसिव में क्या रहती है? लो पैसे क्या रहते हैं? शॉर्ट। मजा आ गया। प्रॉफिटेबिलिटी इसके अंदर वेल बैलेंस्ड है, इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? लो, जब आप लॉन्ग टर्म फंड ज्यादा अरेंज करके रखोगे तो वो अनयूटिलाइज्ड पड़े रहेंगे। रिपीट, कॉस्ट तो आपको देनी पड़ रही है पर यूज आप कर नहीं रहे, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और यहां प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? हाई, पर रिस्की हो जाएगा। रिपीट, तलवार की धार पर चलने के समान है, क्योंकि अगर एकदम सबने पैसे मांग लिए और हमारे पास नहीं हुए तो हम फेल हो सकते हैं। कैसा लगा? ऑटो मोड में अगर देखा जाए, रिपीट, तो ये वाली अप्रोच अपने आप लग जाती है नॉर्मल कंडीशंस में। रिपीट, अपने आप नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ एज पर प्लान चल रहा होता है। ये अप्रोच लग जाती है ऑटोमेटिकली रिसेशन में, क्योंकि रिसेशन में क्या होता है कि धंधा होता है कम। रिपीट, तो जो भी हमने अरेंजमेंट किया होता है वो ज्यादा ही हो जाता है। सोचो बहुत तेज बारिश हो रही है, आपने शादी का अरेंजमेंट कर रखा है तो हर चीज ज्यादा ही हो जाएगी, बताओ क्यों? लोग ही नहीं आएंगे। मेरी सिस्टर की मैरिज थी तो हमने काफी नंबर ऑफ पीपल का अरेंजमेंट किया होगा अपने हिसाब से, वो साया उस दिन बहुत तगड़ा था, तो लिटरली बहुत कम गेस्ट आए। कितने सारे गेस्ट तो सिर्फ आए, मुबारकबाद दी, कोल्ड ड्रिंक ली, हम वहां जा रहे हैं यार, मुझे एक शादी और अटेंड करनी है आज, वहां भागना है।
तो कुछ हमारे यहाँ खाया किसी ने, कुछ ने हमारे यहाँ नहीं खाया, कहीं और खाया होगा, कोई ने वहां पे नहीं खाया होगा, हमारे यहाँ खाया होगा, तो ओवरऑल गेस्ट क्या हो गए, बढ़ गए। तो जितनी प्लेटें हमने प्रॉमिस करी थी हमारी, कम से कम हमने 700 प्लेटों का तो सोचा था, 200 प्लेटें हमारी यूज हुई। तो मैंने उसको टाइट किया, किसको, कैटरर को, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 15 साल पुरानी, मैंने कैटरर को टाइट किया। मैंने यार ये तुझे तो पता होना चाहिए कि इतना जबरदस्त आया, तो मैं कहता कम प्लेटें रखवाओ। कैसे ऐसे थोड़ी होता है, मैं आपने कहा जी 700 आ जाएगी। मैंने कहा हमारे यहाँ कौन सी दो शादियाँ होती हैं, हमें क्या पता, कैटरर बड़े स्मार्ट होते। तो कहने का मतलब क्या होता है कि उनको आइडिया होता किस दिन साया जाता है, ये बातें वो सोच सकते हैं, आप और मैं नहीं सोच सकते। वो तो क्योंकि चांस की बात है, मेरे ऊपर ऐसा हुआ एक बार हमारे ऊपर, तो मुझे एग्जाम्पल याद है। अदरवाइज आप कैसे सोचो, आप सोचो मैं इतने लोगों को बुला रहा हूँ, अपने हिसाब लोग अभी 4 आदमी 4 आएंगे, इनके यहाँ से 3 आएंगे, यही सोचोगे आप, ये थोड़ी सोचोगे इसको उस दिन 4 कार्ड आ जाएंगे, ये 4ों कार्ड में कैसे जाएगा। फिर आपके पास नहीं होता कि 3 कार्ड आ गए घर में, तो मम्मी कहीं चलेगी, पापा कहीं चले गए, आप कहीं चले गए, तो वो अल्टीमेटली स्प्रेड हो गए ना, अटेंडेंस तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सब इन लोगों को पता होता है, प्लानिंग कर लेते, आप और मैं नहीं कर सकते, समझ आ गई बात। तो रिसेशन में हर चीज का अरेंजमेंट क्या हो जाता है, ज्यादा। तो अपने आप ही हमारी अप्रोच क्या बन जाती है, कंजर्वेटिव। और तेजी में क्या होता है, अपने आप हम एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस ज्यादा है ना, तो अरेंजमेंट हम डिसीजन तो लेते जाते हैं, पैसा शॉर्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म से करते हैं, चल यहां से ले ले, यहां से ले, देख लांगे करके फिर आगे बढ़ते हैं। ऑटो मोड में एग्रेसिव अपने आप ही बूमिंग पीरियड में लगने लगती है, कंजर्वेटिव अपने आप ही डिप्रेशन में लगने लगती है, और मैचिंग अपने आप नॉर्मल बिजनेस कंडीशन में लगती है। कोई डाउट, पूरा क्लियर हो गया, कुछ पूछना।